माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाड़ू कॉन्सेप्ट। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और कोरोना चल रहा है तो घर पे ही रहना एंड बी सेफ बी हैप्पी। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ जो कि किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके बोर्ड्स हो या फिर कोई भी 1, 2, 3, 4 हो या कोई भी क्लास। सो ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अनदर वीडियो के भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम पॉइंट पे आते हैं। ये वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। सो पहला पॉइंट ये है कि आप कभी भी नोट्स अपनी फ्रेंड या फिर कोई भी टीचर के नोट्स आप पढ़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप टीचर के नोट्स ना पढ़ें, आप टीचर के नोट्स पढ़ें, पर अपने जैसे टीचर के भी नोट्स ले लिए, फ्रेंड के भी नोट्स ले लिए और वो सबको मिक्सअप करके आप नोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें आप। क्योंकि टीचर अपने कन्वीनियंट से नोट्स बनाते हैं और जो आपके जो फ्रेंड होंगे वो भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मतलब नोट्स बनाएंगे ताकि उनको समझ आए अच्छे से। तो आप भी अपने कन्वीनियंट से आपको जो समझ आए वैसा नोट्स बनाएं आप। सो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहला ही चीज़ ये है कि आपको चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एकदम अच्छे से पढ़ लें, पूरा उसका मतलब समझ लें, उसके बाद ही आप नोट्स बनाएं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेज पढ़ लें फिर नोट्स बनाएं, पर ज़्यादा अच्छा तभी रहेगा जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि आपके पास सब ओवरव्यू आ जाता है तो अच्छा नॉलेज आ जाता है चैप्टर का। सो पूरा चैप्टर पढ़ लें और अपने वर्ड में नोट्स बनाएं और लिखें अच्छे से। और नोट्स ऐसा ना बनाएं, दूसरा पॉइंट ये है कि नोट्स ऐसा ना बनाएं कि जैसे मान लीजिए आपके चैप्टर 20 पेज का है, मान लीजिए आपका चैप्टर, तो ये नहीं कि आप नोट्स भी 20 पेज के बना दें सारी। आप कम से कम 6 या 7 पेज में नोट्स बना लीजिए पूरे चैप्टर का, क्योंकि पूरे चैप्टर में बिना मतलब की भी चीज़ दिए हुए रहते हैं, जैसे दिस दैट बिकॉज ये सब करके, तो वो सब ना लिखें, टू द पॉइंट लिखें और जो इम्पॉर्टेंट है वही सब लिखें। और तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी ये जैसे आप नोट्स बनाएं तो डायरेक्ट पॉइंट मत उतारिए, आप ऐसे नोट्स बनाइए कि जिससे एक क्वेश्चन अराइज हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दे देती हूँ, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, उसका नोट्स है 10th क्लास का। सो देखिए, घबरा मत जाइए कि ये 10th का, अगर आप 10th में नहीं है तो कोई बात नहीं, पर देख लीजिए इससे क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। इन 1848 फ्रेडरिक सॉरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4th प्रिंट विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इससे क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि फ्रेडरिक सॉरियो ने क्या किया था 1848 में, और नीचे जो है आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो इससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो आर्टिस्ट थे वो लोग किसको अराइज करते थे फीमेल फिगर के रूप में, तो फीमेल फिगर के रूप में लिबर्टी को करते थे। तो देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा था 10th क्लास में जिससे क्वेश्चन भी अराइज हो सकते थे, वही अगर आप बुक में देखते हैं मेरे तो देखिए बुक में एकदम हौच पौच है, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, लगेगा क्या पढ़े क्या नहीं। इसीलिए ऐसे नोट्स बनाइए टू द पॉइंट एकदम, जिससे क्वेश्चन भी अराइज हो। सो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ आगे भी चैप्टर, ये पूरा चैप्टर का नोट्स कैसे मैंने बनाया है। देखिए हौच पौच नहीं करना है, एकदम अच्छे से बनाएं। नोट्स को ऐसे एकदम कहानी वाइज बनाना चाहिए ताकि समझ आए, लाइन बाय लाइन पढ़े तो एकदम समझ आ जाए पूरा चैप्टर और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। सो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, अगर ये आपको पूरा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, नहीं चाहिए तो क्यों आपका टाइम वेस्ट करें। सो बी सेफ एट होम, घर पे ही रहना, कोरोना चल रहा है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक भी कर देना। बाय।